वो कहते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट से डर लगता है, हमने गांव देखे हैं बने हुए, हमने यहाँ पे जख्म देखे हैं कि जख्म हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। एक कॉमनली क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट से डर लगता है, हमने गांव देखे हैं बने हुए, हमने यहाँ पे जख्म देखे हैं कि जख्म हो जाते हैं, और कई बार कैंसर का भी ऐसा होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ए वेरी सेफ प्रोसीजर। इसमें आज तक कभी भी ना किसी पेशेंट को ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हुई है, ना किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, ना किसी पेशेंट को आइज की प्रॉब्लम हुई है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, जो चीज़ लिटरेचर में है। कम से कम 25 साल हो गए हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को, आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुपरफिशियल प्रोसेस है, हमने 3 mm तक ही फॉलिकल्स लगाने हैं, उसमें किसी चीज़ का ना कोई स्किन का कोई कैंसर का खतरा नहीं रहता कभी भी। ये चीज़ 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये चीज़ ज़रूर होती है कि कई बार सर में जख्म बन जाते हैं या किसी चीज़ पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन नॉर्मली उन पेशेंट्स में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उनमें चांसेस रहेंगे, या जिनकी ब्लड सप्लाई किसी और रीज़न से कम है, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई कम है, तो उनमें ये चीज़ रहती है कि चांसेस रहता है कि स्किन की नेक्रोसिस हो जाए या फिर स्कैल्प का इन्फेक्शन हो जाए फॉलिकल्स का। बट ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है, इसमें ऐसा नहीं है कि आगे जाके इसमें कुछ हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता भी है, वो भी रेयर होता है, बहुत 10,000 में से एक केस होता है, वो भी जैसे मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज होगी या फिर डायबिटिक होगी, जिनमें ब्लड सप्लाई कम है, जिनमें हीलिंग पावर कम है, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो वो भी ट्रीटेबल हैं। 1.5-2 हफ्ते में वो चीज़ भी ट्रीट हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है जो आपको बाद में लाइफ लॉन्ग के लिए आपको पछताना पड़ेगा यार, ये ट्रांसप्लांट करवाया था, ये चीज़ होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, सिक्योर प्रोसीजर। एंड आप बस ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ से भी कराएं, वो एक प्रॉपरली एनवायरनमेंट देख के, स्टरलाइजेशन देख के, और ओटी का स्टाफ का पैटर्न देख के, ये चीज़ें देख के कराएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी सलून पे करा रहे हैं जाके या किसी और पे करा रहे हैं।